प्रत्येक मनुष्य का शरीर एक मंदिर के समान होता है। ईश्वर की खोज क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ईश्वर और चेतना। अक्सर कहते हैं ना, चेतना को जगाना चाहिए। चेतना मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा ध्यान से कि चेतना क्या होता है। चेतना यानी चेत जाना, मतलब अपने अंदर विकास कर लेना ही चेतना कहलाया। अपने अंदर विकास कर लेना ही चेतना कहलाया। अक्सर मनुष्य कहते हैं कि ईश्वर के प्रति, ईश्वर के भांति अपने अंदर भी चेतना का उदय हो, यानी कि ईश्वर के जैसा आप में भी दिव्य शक्ति प्रज्वलित हो, चमके। इसके लिए क्या करना चाहिए? तो स्टार्टिंग में मैंने बतलाया आपको, प्रारंभ में ही, कि प्रत्येक मनुष्य का जो शरीर है वो एक मंदिर है जहां पे ज्ञान का भंडार पड़ा है, जहां पे ज्ञान का भंडार पड़ा है और वो सभी ज्ञान को अर्जित कर लेना है। आप सक्षम हैं ज्ञान को अर्जित करने के लिए। आपको उदाहरण मैं दे देता हूं, आपको उदाहरण देता हूं। आज हम सभी विद्यालय में ज्ञान अर्जित करने के लिए जाते हैं। कई के पास जो है कई सारी डिग्रियां हो जाती है, लेकिन उनके अंदर चेतना का विकास नहीं हो पाता है। फिर भी वो अधूरे ज्ञान में ही हिटक जाते हैं। और प्रारंभ में आपने सुना होगा कि आदिकाल में बहुत सारे जो राजा, संत, ऋषि, ये सब जंगल में जाके खुद के अंदर चेतना का विकास करके ज्ञान को अर्जित करते थे और उन्हें पूर्ण ज्ञान भी अर्जित हो जाता था। तो चेतना का विकास करने के लिए आपके अंतरात्मा, आपके मन के अंदर जो है पॉजिटिव एनर्जी होना बहुत जरूरी है। मन साफ हो, दिल सच्चा हो। कहते हैं ना कि बच्चे में भगवान बसते हैं, तो फिर जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो भगवान किधर चले जाते हैं? क्यों? क्योंकि बच्चे ईश्वर के रूप होते हैं और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनका मन और उनका दिमाग जो है कुछ और सोचने लगता है, अपने आप को जो है गलत गलत चीजों में वो खुद को फंसा लेता है, जिससे ईश्वर के प्रति उसके अंदर से जो भावना होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। एक मनुष्य के अंदर चेतना होना उतना ही जरूरी है जितना एक मंदिर में एक पुजारी का होना। मंदिर में आप देखे होंगे कि पूजा के लिए एक पुजारी हमेशा होता है। इसलिए नहीं होता है कि भगवान की पूजा वही करा सकते हैं, यह गलत है कि वो केवल पूजा के लिए नहीं। आप देखे होंगे कि सुबह वो पहुंच के पूरी मंदिर को साफ करता है, पूरा मंदिर को जो है जल से धो डालता है, साफ सफाई करता है। इसलिए जरूरी है तहां जहां पे आप जाके अपने ईश्वर के प्रति अपना आस्था समर्पित करते हैं, ईश्वर को आप पूछते हैं तो क्यों, क्योंकि वहां साफ सफाई हो रहा है। मैंने ऐसे भी मंदिर देखे हैं जहां पे पुजारी नहीं है और वहां पे जो है लोग जाते भी नहीं है। तो पुजारी का काम केवल पूजा कराना नहीं, उस मंदिर का देख रेख करना है। ठीक उसे ही मेरा शरीर है जो एक मंदिर है
जिसका देख रेख करना आपका कार्य है। इस शरीर के अंदर का पुजारी आपके आत्मा है, और उस आत्मा, जब तक आत्मा है तब तक ही शरीर का देख रेख होगा, अन्यथा जिस दिन ये आत्मा इस शरीर को त्यागेगा, इस शरीर का देख रेख आप नहीं कर सकते हो। कहा जाता है कि सात्विक भोजन करने से मन सात्विक होता है, और गलत तरह का भोजन करने से, जो है मांस मंदिरा खाने से, मन जो है विचलित होता है, मन अशांत होता है। और आपके अंदर अगर ईश्वर की चेतना जगानी है तो यह परम आवश्यक है कि आपका मन सात्विक हो, आप सात्विक भोजन करें। ऐसे स्वामी विवेकानंद भी बोले हैं, और भी महान लोगों ने, गौतम बुद्ध, बहुत सारे महान लोगों ने कह के किए हैं कि मनुष्य के अंदर ही सारी ज्ञान इकट्ठा है, जमा है, बस उसे विकास करने की जरूरत है, चेतना, ताकि उसके अंदर विकास हो तो ईश्वर भी उन्हें अपने ही अंदर दिखने लगेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि कण कण में शिव का वास है, यानी ईश्वर का वास है, है ना। तो चेतना के लिए सबसे पहले आपको जो है क्या करना होगा, मन को शांत करना होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, मेडिटेशन करना होगा। जब तक मेडिटेशन नहीं कीजिएगा तब तक आपका मन शांत नहीं होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमें जान लीजिए। जय हिंद, जय।